में इलेक्ट्रिक करंट के लिए कहानी, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भागदौड़ करते हुए कहां पहुंचेगा, इसका कोई ये नहीं है कि ये आगे ही चला जाए, ये हो सकता है टकराते हुए यहीं कहीं घूम रहा हो। तो आप जब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह भागदौड़ कर रहा है, तो हम लोग जब मेटल के प्लेट को टच करते हैं तो हमें करंट फील क्यों नहीं होता? तो करंट तो है चार्ज का मूवमेंट, मूवमेंट वहां इलेक्ट्रॉन का है, फिर हमें करंट क्यों नहीं फील होता? तो कोई भी क्रॉस सेक्शन जब चूमते हैं हम, और सोचो ना एक मोल एटम यदि कहीं पर है तो 6.023 × 10²³ एटम यदि वहां है, और हर एक में यदि एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अर्थ के पॉपुलेशन से भी ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन हो गया, और वो भाग दौड़ कर रहे हैं मेटल में। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में जितना लेफ्ट से राइट जाते होंगे उतना ही राइट से लेफ्ट आते होंगे इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण जो एवरेज जो आप कहेंगे नेट चार्ज फ्लो वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि अभी जो करंट है जिसको आप कहते थे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो चार्ज फ्लो होगा इस किसी भी क्रॉस सेक्शन में, वो क्या आ गया? जीरो। ऐसा कब दिख रहा है? जब हम कह रहे हैं कि कनेक्टेड नहीं है ये किसी ईएमएफ सोर्स के साथ। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा थैंक यू। एक जब कभी हम पानी के कंटेनर की बात करें, तो पानी के कंटेनर के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब हाइट पे रखा हो कंटेनर, तो ग्राउंड की तरफ पानी अपने आप चला आता है, हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ अपने आप चला आता है। तो उसी तरह चार्ज की एक नेचुरल टेंडेंसी है हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ अपने आप जाना। अब यहां मैं बातें करूंगा एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर के, क्योंकि करंट का कन्वेंशनल कन्वेंशनल डायरेक्शन लिया गया है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन। तो करंट का जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का, जबकि मेटल में है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट हम करंट का डायरेक्शन लेंगे। अब हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ अपने आप चली जा रही होती है पानी। जैसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक कंटेनर है और कंटेनर से पाइप जुड़ा हुआ है, तो ये पानी जो है कंटेनर से निकल करके नीचे वाले कंटेनर की तरफ अपने आप चली आएगी। लेकिन यदि इसी वाटर को आप ऊपर वाले कंटेनर से नीचे लाना है तो अपने आप आते देखा आपने, लेकिन यदि नीचे से ऊपर ले जाना है इस वाटर के, जिससे कि कंटिन्यूअस फ्लो बना हुआ मिले हमें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? तो अपने आप तो ये जाएगी नहीं, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एक मोटर, या फिर यहाँ पर लगाना पड़ेगा पंप, और जो क्या करेगा लोअर पोटेंशियल रीजन से हायर पोटेंशियल रीजन में पानी को ले जा सकता है। तो ये जो काम करता है चार्ज के लिए, तो चार्ज के लिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आना आसान है, वो अपने आप चली आएगी, लेकिन लोअर पोटेंशियल रीजन से हायर पोटेंशियल रीजन पे ले जाने का काम करेगा, इसके लिए एक्सटर्नल कोई डिवाइस होगा, जो डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो वर्क करेगा नीचे से ऊपर। जो आप नीचे और ऊपर वर्ड यूज कर रहे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिमाग में रख के, वैसे ही लोअर पोटेंशियल एनर्जी रीजन से हायर पोटेंशियल एनर्जी रीजन में यदि ले जाना है तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल डिवाइस को, और ये जो वर्क पर यूनिट चार्ज करेगा उसे आप कहेंगे वोल्ट, जूल पर कूलम को कहेंगे वोल्ट, ये कहलाएगा ईएमएफ उस डिवाइस का। किस डिवाइस का? जो ये काम करेगा, क्या करेगा? एक तरफ से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल एनर्जी रीजन में ले जाएगा, ये कौन ले जाएगा? एक डिवाइस। ये डिवाइस हो सकता है थर्मोपाइल, थर्मोकपल, सेल, बैटरी, कुछ भी। अब इनमें से अभी हम मान लेते हैं बैटरी ये काम कर रहा है या सेल ये काम कर रहा है, तो सेल जो ये काम करेगा उसमें उसकी एक प्रॉपर्टी होगी। जैसे ये मोटर आप खरीदेंगे अपने घर बनवाया, 3 मंजिले घर के छत पे आपने टैंक रखे और ग्राउंड से ऊपर तक पानी ले जाना है, तो दुकान में जाकर थोड़े ना कहोगे कि कोई भी पंप दे दो, आप उसके लिए अपना रिक्वायरमेंट्स बताओगे, यार 2 हॉर्स पावर का पंप चाहिए या 2000 जूल पर केजी जो काम कर सके ऐसा कोई पंप चाहिए। मतलब हमें पंप जब लेना होगा तो उसकी एक कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी पंप कुछ भी काम नहीं कर सकता। उसी तरह बैटरी या सेल जो होगा उनकी भी अपनी एक कैपेबिलिटी है। आप यदि कार वाली सेल लगा के ट्रक में ट्रक चलाना चाहो और ट्रक के लिए सारे उसके प्लान से काम करे तो ऐसा नहीं होगा। वो टॉर्च जलाने वाला सेल लगा के कार स्टार्ट करना चाहो तो वो नहीं होगा।
तो आप हर एक सेल की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को कैसे डिस्क्राइब की जाती है, वोल्ट में। वोल्ट क्या है, तो आपने देखा ना लोअर पोटेंशियल एनर्जी रीजन से हायर पोटेंशियल एनर्जी रीजन में ले जाया गया, उसमें कुछ वर्क करना पड़ा, वो वर्क पर यूनिट चार्ज जो करना पड़ता है जूल पर कूलम, उसे हम कहते हैं वोल्ट। ये हर एक सेल की एक ताकत बताता है और उसे आप कहते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या हो गया, वो ताकत हो गया जो वो कर सकता है, ठीक है। और ये आप वोल्ट में उसकी ताकत बताते हैं। अब जब दुकान में जाते हैं सेल लेने के लिए, इवन मोबाइल या आप रिमोट के लिए भी सेल लेते हैं, तो कहते तो है ना कि ये सेल चाहिए, उस सेल की कोई कैपेबिलिटी है 1.5 वोल्ट, तो वो उतना चाहिए, रेंडम कुछ नहीं ले लेते। तो आप हर एक सेल के ऊपर जो लिखा देखेंगे 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, तो वो उसकी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जूल पर कूलम जो वो वर्क कर सकता है। जूल पर कूलम वर्क डन करेगा, तो वर्क डन सब करेगा बैटरी, तो कंपेयर कैसे करोगे कौन ज्यादा अच्छा और कौन कम अच्छा। पर कूलम कौन ज्यादा वर्क कर रहा है, वो ज्यादा वोल्टेज वाला बैटरी हुआ। पर कूलम कम वर्क कौन कर रहा है, वो कम कैपेबिलिटी वाला आप कहेंगे सेल हुआ। तो आप अब दिमाग में सेट करो कि हम यदि चाहते हैं कि करंट रहे, तो करंट में ऐसे यदि मैं कोई मेटल का टुकड़ा देखता हूं तो उसमें कोई करंट नहीं है, और करंट नहीं होने के पीछे कारण है कि किसी भी सेक्शन से जितना लेफ्ट से राइट जा रहा है उतना ही राइट से लेफ्ट आ रहा है। अब यदि आप करंट चाहते हैं तो आपको वहां पोटेंशियल रीजन क्रिएट करना पड़ेगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल रीजन। अच्छा, तब आप अगला पॉइंट कहोगे मुझे कि क्या सर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल रीजन यदि हम क्रिएट कर दें रॉड के दो सेक्शन में, तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अच्छे बच्चे की तरह एक लाइन में चलने लगेंगे? ये भी नहीं होगा, भाग दौड़ तो वो करते ही रहेंगे, सर टकराता ही रहेगा, लेकिन बल्क में एक साथ उनमें टेंडेंसी आ जाएगी एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की। इस टेंडेंसी के कारण जो वेलोसिटी दिखता है उसे आप कहते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से सुनिए, मान लीजिए कमरे में आप बैठे हुए हैं और वहां एयर के मॉलिक्यूल का आप देख रहे हो और कहते हो ये भाग दौड़ कर रही है, तो भाग दौड़ कर रही है तो क्या कहोगे कि हवाएं चलने लगी? ऐसा तो नहीं है। आप खिड़की विंडो ओपन करते हो, क्रॉस वेंटिलेशन होता है और फिर हवा का फ्लो आप देखते हो। यदि हवाओं का चलना आप सोचें तो हवाओं का चलना में क्या खास हो गया, मॉलिक्यूल तो पहले भी भाग दौड़ कर रहे थे लेकिन उसे हम नहीं कह रहे थे कि हवाएं चल रही है, एयर का फ्लो नहीं था वहां, मॉलिक्यूल भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन जब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल एनर्जी जोन क्रिएट हुआ, हायर प्रेशर जोन और लोअर प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, तो बल्क में हवाओं के मॉलिक्यूलों का ये मूवमेंट जब शुरू होता है तब कहते हैं कि एयर फ्लो कर रही है। तो वहां पर बल्क में तो एयर जा ही रहा है एक तरफ से दूसरे तरफ, लेकिन उसके भीतर जो मॉलिक्यूल है वो कबड्डी खेलना थोड़े ना छोड़ेंगे, वो इधर उधर तो कर ही रहे होंगे, उसके साथ वो बल्क में मूव कर रहे हैं। ये करंट को इस नजरिए से देखो, सोचो किसी पाइप में पानी जा रही है तो आप तो कह रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल एक लाइन में चल रहे हैं, लेकिन उसमें यदि हल्का सा एक ड्रॉप तुम कोई इंक का डाल दो या कलर डाल दो तो वो देखोगे कि वो बिखरेगा। तो बिखरेगा इसका मतलब क्या हुआ, बल्क में तो एक तरफ जा ही रहे हैं लेकिन वहां के मॉलिक्यूल आपस में इधर उधर कबड्डी वड्डी भी खेल रहे हैं, मतलब वो ब्रोनियन मूवमेंट जिसे आप कहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो यूं ही भाग दौड़ था उससे करंट नहीं बना, और जब आपने हायर और लोअर पोटेंशियल रीजन क्रिएट किया तब भी करंट के वो पोटेंशियल रीजन के बाद उनका भाग दौड़ नहीं बंद हुआ, लेकिन उनके बल्क में एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की मूवमेंट शुरू हो गई और उस बल्क मूवमेंट के कारण हमें करंट मिल रहा है। अब इसके फील करो, ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराता रहा, लेकिन यदि वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल रीजन के कारण, तो टक्कर वक्कर तो हो ही रहा है लेकिन हर एक टक्कर पे एक फोर्स उस पे कंटिन्यूअस इधर होने के कारण वो पहले जहां तक जाता उससे कुछ शिफ्ट हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, या पॉजिटिव चार्ज होता तो या निगेटिव होता तो उसके अपोजिट। तो वो बल्क में जो ये मूवमेंट होता है उसके लिए हम कहते हैं वो करंट के लिए जिम्मेदार है। अब यहां पर एक पॉइंट और सोचो, ये जो ब्राउनियन मूवमेंट की तरह देख रहे थे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जब कोई पोटेंशियल रीजन आपने नहीं क्रिएट किया है तो वहां पे भी गैस के मॉलिक्यूल की तरह वेलोसिटी के लिए आप लिख सकते हैं √3 kT/m इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करके देखेंगे तो ये मिलीमीटर में स्पीड आता है, तो मिलीमीटर पर सेकेंड वाला यदि स्पीड होगा और उससे करंट बनता होगा यदि, तो स्विच ऑन करेंगे पंखे के चलने को सोचो, यहां से वहां तक कम से कम 10 मीटर का वायर है तो इतने दूर जाने में तो घंटों लग जाएगा, तब तक आप भूल भी जाएंगे मैंने पंखे ऑन किए, तो फिर कैसे काम करता होगा। तो वो स्पीड करंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो स्पीड जो
अंडर रूट 3 केटीवाएम गैस के मॉलिक्यूल की तरह जो भाग दौड़ का स्पीड एवरेज निकालते हैं, उनसे उनसे हमें करंट नहीं बनता दिख रहा। होता क्या है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो हायर और पूरे वायर में हायर और लोअर पोटेंशियल रीजन आपने क्रिएट कर दिया, उसके कारण अचानक से फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपगेट करने का टाइम नेग्लिजिबल, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट करता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपगेट करने के कारण पूरे वायर में तुरंत स्विच ऑन करते ही फील्ड आ गया। और जो पंखे के पास वायर में इलेक्ट्रॉन थे, वो उनका बल्क मूवमेंट वहां भी शुरू हो गया, पूरे वायर में शुरू हुआ, वहां भी शुरू हो गया, तो वहां करंट आपको मिल गया। तुरंत आपने इधर स्विच ऑन किया, उधर बल्ब जली, इधर स्विच ऑन किया, इधर पंखा चलने लगा। तो इस तरह वहां करंट को देखो। और इस जगह जो आप ड्रिफ्ट स्पीड कहते हो, वो कैसे पता करेंगे? उसके लिए एक साधारण सा लॉजिक अप्लाई करो, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा मत सोचो। पहले मुझे ये बताओ, जब ये टकरा रहे होंगे तो बार बार टक्कर हो रही होगी। मान लो भगदड़ हुआ और बार बार टक्कर हो रहा है, तो एक दूसरे से सर टकराया और सर पे हाथ रख के आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स, और तब तक दूसरा एक बार और आके आपके सर से टकरा गया। तो ऐसे टक्कर के टाइम T1 टाइम ड्यूरेशन पे पहली टक्कर हुई, T2 टाइम ड्यूरेशन में दूसरी टक्कर हो गई आपके सर से, T3 टाइम ड्यूरेशन में तीसरी टक्कर हो गई, कोई आपके सर से आके टकराया, तो आप एवरेज कितना टाइम रिलैक्स कर पाए? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन एन कर लो, ये जो आता है दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो बार बार इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, तो इनके जो एवरेज रिलैक्स करने का टाइम है उसे कहते हैं टाउ। और ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इस टाइम को ध्यान में रखिए और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के एक्सेलरेशन सोचिए, E/m, Q/m। इस एक्सेलरेशन के कारण इतने टाइम में जो वेलोसिटी हमें मिल पाता है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो V equals to U plus AT, U एवरेज किसी भी टाइम पे लोगे तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो रहा है, और A into T, A E by E तो E तो फिक्स है एक्सेलरेशन, E by M into tau, ये हमारा आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक पेज पहले आते हैं, और एक पेज पहले आकर के हम देखते हैं कि यदि रॉड के भीतर आपने पोटेंशियल रीजन क्रिएट कर दिया और यहाँ पर फील्ड आ गया इलेक्ट्रिक, क्यों? क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल रीजन, इधर लोअर पोटेंशियल रीजन। एक्चुअली बैटरी आपने ऐसे देखे हैं पहले से, ये प्लस और ये माइनस, और इस पे 1.5 वोल्ट लिखा हुआ देखा करते थे। लेकिन बैटरी इतना डिजाइनदार बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा, इंसान आलसी होता है, तो बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी निगेटिव टर्मिनल आपने कह दिया, और ऐसे आपने जिधर आप पॉजिटिव टर्मिनल से रॉड को जोड़ रहे हैं वहां हायर पोटेंशियल रीजन सोचो, जिधर निगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हो वहां लोअर पोटेंशियल रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और इसमें ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहे होंगे उनका जो ड्रिफ्ट का स्पीड आप देखेंगे, तो ड्रिफ्ट स्पीड लिखेंगे 0 प्लस EE/m इनटू टाउ, और टाउ क्या होगा? टाउ होगा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, और ये हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू आ गया EE/m इनटू टाउ, EE/m into tau। Drift speed के लिए केवल AT याद रखिएगा, V equals to U plus AT। तो V equals to U plus AT सारे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख लेते हैं जो वहां मौजूद है, और उनको उनका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाता है, तो बचता क्या है? यही है EE/m into tau बचता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आया, ये इसका डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, तो मुझे डेरिवेशन की मेरी प्रैक्टिस नहीं है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो हमारे काम का है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तब ड्रिफ्टिंग शुरू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नहीं है तो कोई ड्रिफ्टिंग नहीं हो रहा होगा, रैपिड एंड रैंडम मोशन होगा और तब कोई करंट नहीं होगा। और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ। करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन याद रखिएगा, किधर से किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब हम लोग यहां ये देखना शुरू कर चुके कि करंट जो है उस करंट का वैल्यू, तो करंट का वैल्यू यदि हम देखना चाहते हैं तो गौर करिए, यहां एक पाइप की तरह इन्हें देखिए, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए इस पाइप से गुजरने वाला है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए इस पाइप से गुजरने वाला है, और करंट का वैल्यू हम लिखना चाहते हैं।
ये यदि करंट के एक चार्ज पार्टिकल को आप मूव करते रहे तो डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज पार्टिकल यहां से गुजर करके लेफ्ट से राइट आएगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो डेल्टा टी टाइम में कितना पार्ट यहां से गुजर करके आएगा, तो डेल्टा टी टाइम में v drift into delta t distance में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे यहाँ इस एरिया जो हमने चुना है उससे होके गुजर जाएंगे, यदि फ्लो की तरह उन्हें देखें तो। अब यदि मैं बात करता हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है ए, तो यह जो वॉल्यूम होगा यहाँ से यहाँ तक वो वॉल्यूम कितना हो गया, ये वॉल्यूम हो गया ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। और इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यदि एन है, स्मॉल एन है, तो ये कैपिटल एन टोटल नंबर जो यहाँ से जो टोटल नंबर जो यहाँ से गुजर रहा होगा वो टोटल नंबर कितना कह देंगे इसके बारे में देखिए, ये हो जाएगा स्मॉल एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। और इसके कारण जो चार्ज गुजर रहा होगा वो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ई इंटू एन ई इंटू स्मॉल एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। और ये जो है आप इसको किससे डिवाइड कर दूं, डेल्टा टी से, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी यही किस में बदल जाने वाला है, करंट में। तो आपने डेल्टा टी से जब डिवाइड कर दिया तो यहाँ डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो आई का वैल्यू हो गया एन ई ए वी डी। तो ये हो गया हमारे पास करंट के लिए रिलेशन, करंट के लिए रिलेशन I equals to NEA VD। और VD अलग से आप लिखना चाहें इस पेज पे भी तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, VD का वैल्यू आ गया था E by M ये acceleration into tau relaxation time। अच्छा ये बताना थोड़ा सा सोच समझ के कि कमरे के मॉलिक्यूलों का भागदौड़ देखो, सर आप तो करंट पढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉनों का भागदौड़ देखो, सर ना तो ये दिखा ना तो वो दिखा। अच्छा चलो कंफर्ट किस में ज्यादा है, तो चलो कमरे के मॉलिक्यूलों का भागदौड़ देखो, बताओ यहाँ यदि मैं हीटर जला दूं आधे घंटे छोड़ दूं तो मॉलिक्यूलों का भागदौड़ वैसा ही रहेगा या स्पीड बढ़ जाएगी, तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा या धीरे धीरे, जल्दी जल्दी होगा तो उनका टाइम पीरियड क्या होगा, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये ऐसे भी ध्यान दिमाग में इनको थोड़ा इम्प्रोवाइज करिए कि यदि मैं मेटल के रॉड के कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा दूं, भागदौड़ उनकी यदि बढ़ जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ एक आइडिया उस तरफ गया कि यदि टाइम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये मेटल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ध्यान रखिएगा, तो सर कहीं ये उल्टा पुल्टा भी होगा बाद में सोचेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये आपके सामने मेटल में क्या था कि आपने यदि टेम्परेचर बदला है तो इन इलेक्ट्रॉनों की वो भागदौड़ तेज हो जाएगी, टक्कर बढ़ जाएंगे, कम टाइम पे होने लगेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, उसका असर ड्रिफ्ट स्पीड पे भी पड़ सकता है, ड्रिफ्ट स्पीड भी कम हो जाएगा। अब ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगा, बाकी डाटा यदि फिक्स है तो आई का वैल्यू जो है वो भी कम हो जाने वाली है, करेंट आई इक्वल्स टू एनए वीडी। तो आपके पास दो फॉर्मूले इस पेज पे आ गए, इन पेज के ध्यान रखना। स्मॉल एन क्या है, कई बार बच्चे इसके बारे में बात करते हैं कि सर वो स्मॉल एन आपने क्या लिखा था, तो स्मॉल एन हमने लिखा था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये स्मॉल एन को ले जा करके जब हम देखें आई के बारे में तो आई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एन ई ए वी डी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल एन, और उसको लेकर के करंट हमने देखा आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहाँ एक टर्म और आ रहा है कि आई बाई ए जब हम कहेंगे तो इसके लिए एक नया सिंबल ले लेते हैं जे, और जे को कह देते हैं करंट डेंसिटी, और ये हो जाता है एन ई वी डी, ये हो जाता है एन ई वी डी। तो एक इनको भी डब्बा आप दीजिए और इन्हें भी ध्यान रखने की कोशिश करिए कि आई जे हो गया आई बाई ए और जे को कहते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी के बारे में फिर एक बार हम लोग बात कर लेंगे, फिलहाल
करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोगों ने माना है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेटल में है उसका डायरेक्शन, या फिर बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रॉड में के थ्रू, और बैटरी के भीतर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि बैटरी के भीतर वो वर्क करता है बैटरी, और लोअर से हायर पोटेंशियल रीजन में चार्ज को उठा के ले जाता है। सोच के देखो ना, बैटरी के भीतर ही ना, मोटर के भीतर ही ना काम हुआ, लोअर से हायर। तो उसी तरह ये और हमारे पास आ गया है करंट डेंसिटी। तो तीन फॉर्मूले तो हमारे सामने आ गए। अब यहाँ थोड़ा सा और मजे ले आप, वो वैल्यू जो है आई, सोचो ये रॉड है एल लेंथ का, रॉड का जो लेंथ है वो एल, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यदि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट करने की ताकत है तो v by d। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता होगा? v by d। तो अब इस आइडिया को उठा लो, एक e को उठा लो, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लो और दोनों को मिक्स करते हुए i वाले फॉर्मूला n e v d में डाल दो। तो i इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? n e a v d। v d क्या है देखना? e इंटू e बाई m इंटू tau। एन ई स्क्वायर ए, ई के बदले क्या लिख सकते हैं? ई के बदले लिख सकते हैं वी बाई कैपिटल वी बाई डी के बदले एल, कैपिटल वी डी के बदले एल, वी बाई एल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में टाउ। अब यहां पर इसके बाद वी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एम अपॉन एन E स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए इंटू आई। यहां देखिए इसको कह देते हैं रो एल बाई ए इंटू आई इंटू वी, अरे इक्वल्स टू हाँ इंटू आई, और ये कह देते हैं आर इंटू आई। और यहां पर ये जो डाटा आता है ना V equals to R I, ये हो जाता है ओम्स लॉ, या यहां ऐसे देखते हैं ओम्स लॉ, V is directly proportional to I, V बढ़ाते हैं I बढ़ता है, V equals to R I। आप या तो ऐसे देख लें ओम्स लॉ, V proportional to I, यदि कोई रॉड है उसमें आप अप्लाई करते हैं वोल्टेज V के बदले 2V के बदले 3V, तो करंट बढ़ती जाएगी, करंट बढ़ती जा रही है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उस आर के लिए एक नाम देते हैं, तो आर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, और आर के वैल्यू क्या आ गया? रो एल बाई ए रॉड के लिए। और यहां रो को क्या कहने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, रो को आपने कहा एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, इसमें क्या रॉड का डायमेंशन कहीं से आया है? तो इसे कहते हैं ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड, मटेरियल ऑफ रॉड। अच्छा सोचो ना, रॉड था एल्यूमिनियम का और रॉड को आपने बदल के कर दिया आयरन का, तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बदलेगा। मे बी टाउ भी लगभग नहीं चेंज हुआ क्योंकि रूम ही टेम्परेचर पे, अभी टेम्परेचर बदलने की मैंने कोई बात की नहीं है। तो हम क्या कह देते हैं कि मेटेरियल यदि बदल दिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ रो के बारे में हम कहेंगे कि वो बदल सकता है, और यदि रो बदलेगा मतलब क्या बदल रहा है? रेजिस्टिविटी बदल रहा है। तो आपके सामने दो नए और फॉर्मूले आ गए, एक तो ओम्स लॉ अलग से देख लिया, जो जो डिवाइस इस V equals to IR वाले रिलेशन को फॉलो करता है उसे आप ओमिक डिवाइस कहते हैं। V और I और उसका ये ग्राफ बनेगा, ये ऐसा जो भी डिवाइस होगा जो V और I का ये कर्व फॉलो करेगा वो कहलाता है ओमिक डिवाइस, आईवी ग्राफ ऑफ ओमिक डिवाइस।
ओमिक डिवाइस, ये आईवी ग्राफ ऑफ ओमिक डिवाइस कह दीजिएगा। वी और आई का जो अभी ग्राफ ग्रीन कलर का हमने बनाया है, स्ट्रेट लाइन जब आए, ऐसा ग्राफ जब आएगा ये कहलाएगा ओमिक डिवाइस, और हम इस चैप्टर में उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो सर नॉन ओमिक भी होगा, तो याद करिएगा कि ये ग्राफ जब आप बनाते हैं आईवी का, ऐसा एक ग्राफ देखने को मिलता है और ऐसा एक ग्राफ देखने को मिलता है नॉन ओमिक सेमी कंडक्टर, चले जाओ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के डायग्राम, तो वो नॉन ओमिक हो जाता है। ज्यादातर आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस है वो नॉन ओमिक है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करेंट डीसी वाला, उसमें अभी हम ओमिक के बारे में फोकस करेंगे। तो अभी मेटल का कंडक्टिंग बिहेवियर के बारे में ही हम काम कर रहे हैं, और दो नए फॉर्मूले और आ गए हमारे पास, एक आर के लिए एक लॉ आ गया ओम्स लॉ इक्वल्स टू आई आर, और एक आ गया है रो के लिए एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, 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 रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इस फॉर्मूला बेस्ड शुरू में एससी वर्मा के शुरू के 20 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मिलेगा आपको। आगे देखते हैं यहां पर इस पॉइंट को, आई का जो वैल्यू था ना आपके पास, इसको आपने अभी देखा वी बाई आर, ये हमारे लिए सर्किट सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सर्किट सॉल्व करने के लिए इनको ही आपने बार बार यूज किया है। और यहाँ हम लोगों ने ये भी चर्चा कर ली है, रो हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और इसके बारे में हमने एक और फॉर्मूला देखा आर, आर को देखा है रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, रेजिस्टेंस वाले फॉर्म के कहानी को थोड़ा और डिटेल समझ लीजिए। रेजिस्टेंस के बारे में आपको क्या जानने का मौका मिला कि रो एल बाई ए, लेकिन लफड़ा कहाँ फंस जाता है उसको समझिए। ये मैंने कह दिया एक्स एक्सिस, ये मैंने कह दिया वाई एक्सिस, और ये मैंने कह दिया जेड एक्सिस। तो इस रॉड में यदि ये मेटल का रॉड हो तो इसमें करंट एक्स के लॉन्ग भी जा सकता है, करंट वाई के लॉन्ग भी जा सकता है, और करंट जेड के लॉन्ग भी जा सकता है। यहां से देखिए, ये मैंने माना है ए लेंथ, ये बी विड्थ, और ये सी हाइट। और अब आपको बताना है कि रेजिस्टेंस यदि करंट x के अलोंग हो तो रेजिस्टेंस x x डैश के अलोंग करंट जाने पर क्या लिखोगे आप? रो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, l के लिए a हो जाएगा, और करंट जिधर जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेंगे? bc। क्या ये समझ में आया? और आप लोग अब खुद से सोच करके देखिए, यदि y के अलोंग करंट जाता y y डैश, तब कैसे लिखते? y y डैश में लेंथ किसको कहते? सी को, और एरिया ए बी, और इसी तरह आर जेड जेड डैश के लिए सोच के बताइए, आर जेड जेड डैश बी अपॉन ए सी। यहां रेजिस्टेंस के बारे में एक धारणा अपने पास दिमाग में एक आइडिया सेट हो जाता है कि वो रॉड का प्रॉपर्टी हो गया ना, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि करंट जा किधर से किधर रहा है। तो रॉड की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन डायरेक्शन पे कहीं ना कहीं वो निर्भर कर रहा है। जेड जेड डैश वाला कितना कह दिया? बी अपॉन ए सी। तो ऐसे एक थोड़ा सा क्लियर किया आपने इस आइडिया को। अब रो के आर लिखने के लिए कैलकुलस खेलना भी पड़ जाता है कई बार। यदि इस तरह का आपने ट्रंकेटेड कोन ले लिया जिसके रेडियस R1 और दूसरा रेडियस R2 और बीच का जो लेंथ है, बीच का लेंथ वो दिख रहा है L। अब इनमें यदि ऐसे करंट जा रहा हो तो उसके लिए रेजिस्टेंस कैसे लिखना पसंद करोगे? तो कैलकुलस खेलेंगे और रो L बाय एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर के बदले पाई R1 R2 कर देंगे।
वो कैलकुलस अप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं। एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे, उसका रेजिस्टेंस लिख लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। एल चेंज क्यों हो रहा है? आप रॉड का लेंथ यदि पूछेगा तो इंक्लाइंड वाला बताओगे या सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताओगे? तो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस एल लेंगे, जो फॉर्मूला में आप लेंगे। और आप कोई एक वेरिएशन लेके ही तो बनाएंगे ना कैलकुलस वाला रिलेशन। तो आप फोकस करिए कि पाई आर स्क्वायर के बदले क्या लिख लेंगे, पाई आर वन आर टू लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कैलकुलस से डिराइव होता, उसका रिजल्ट है हमारे पास। ये एक एग्जाम्पल यहाँ आ गया और एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। सर कॉपी पे नोट कर लो, बाद में सर को याद कर लो, हमें नहीं पता है अभी एलिमेंट्स। नोट करो पहले, तुम खुद बताओ इसमें कैसा एलिमेंट लोगे। ऐसे तुम्हारे पास एक टुकड़ा आ गया, इसको काटो, एक हाथ में चाकू दे देता हूँ, कैसे काटोगे कि सिमेट्री मेंटेन रहेगा? मैं तो सर ऐसे वैसे कर दूंगा, सिमेट्री मेंटेन रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कहना। अरे यार कभी किचन में जाओ तरुआ बनाना है चिप्स जैसा, तो कैसे काटोगे? बड़े प्यार से ऐसे ऐसे करके निकलेगा, तल लो, बड़े मजेदार बन जाएगा तलवा। तो आप जब कहते हो सिमेट्री, तो सिमेट्री के लिए बड़े प्यार से आप अकलमंदी से चेक करो, दिख जाएगा, उसमें पूछना नहीं है। आपके हाथ यदि मैं सिलेंडर दूं, तो सिलेंडर को कट करके या तो उसका डिस्क बना सकते हो, या पतले पतले बहुत से पाइप बना सकते हो जिनसे मिल करके ये सॉलिड सिलेंडर बना होगा। दो तरह की सिमेट्री आप सोच सकते हो। तो यहाँ पर डिस्क वाला सिमेट्री रेडियस जिसका कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा होगा। तो एक कोई बीच का डिस्क चुनोगे और फिर उसमें रेजिस्टेंस लिखोगे और सारे रेजिस्टेंस से एक ही करंट गुजर रहा होगा, भले ही डिस्क बड़ा हो गया या छोटा। तो अब उनको सीरीज में कहोगे तो डी आर डी आर डी आर, वो सीरीज में डायरेक्ट सम होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट कर दोगे रिजल्ट आएगा। तो आपके पास क्या आएगा और याद कैसे रखोगे? अरे छोड़ो ना यार, याद रखना एकदम एक लाइन का, रो एल भाई, ये एल हो गया आंखों से दिखने वाला एल, और ए हो गया पाई आर स्क्वायर, लेकिन पंगा ये है कि आर दो है तो पाई आर वन आर टू कर दो, कैलकुलस अप्लाई करोगे निकल जाएगा। हाँ करंट देखो बगल में लिखा हुआ है डायग्राम में, वो तुम्हारे कंफ्यूजन से पहले ही लिख दिया है। हाँ तो वैसे भी बह सकता है, तो कैसे बहेगा वो, उसके लिए फिर खुद बैठ के तैयारी करो, मुझसे क्यों पूछोगे? सर के लिए एक ही रास्ता है। अब यदि तुम्हारे सामने ये आ जाए कि हम सोचेंगे ना 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 रेडियल हीट फ्लो की बात करना है, तो तब फिर सिमेट्री हटाओ ना, दो वो अलग क्वेश्चन बनाओ। उसमें पहले अपने पैर पे दो कुल्हाड़ी एक साथ नहीं मारते, एक कुल्हाड़ी मारना है तुम्हारे, तो वो एक कुल्हाड़ी क्या होगा? मान लो ऐसे सिमेट्रिकल तुम्हारे सामने एक सिलेंडर आ जाए, जिस सिलेंडर में तुम्हें रेडियल हीट फ्लो की बात करनी हो, रेडियल हीट फ्लो की बात करनी हो कि मतलब बीच में एक पतला अलग मतलब निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया और बाहर पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, पूरे में मटेरियल भरा हुआ है, तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में क्या करोगे? फिर वहां बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा? पतले पतले सिलेंडर लेना पड़ेगा, एक किसी सिलेंडर का रेजिस्टेंस लिखोगे और एक सिलेंडर का रेजिस्टेंस लिखने के बाद इंटीग्रेट कर दोगे इनर रेडियस टू आउटर रेडियस, तो निकल करके रेजिस्टेंस आएगा। सर कितना होगा? पता नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन के रिजल्ट क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, आउट ऑफ ट्रेंड, नहीं चल रहा, लेकिन आता है तो कैलकुलस कैलकुलस खेलो, रिजल्ट आएगा। नहीं तो ये आपको दो बार पढ़ाया जाएगा, एक बार यहाँ पर या तो मौका मिल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा मौका आसानी से दिखता है जब आप कहते हो गर्मी के मौसम में गए, फ्रीजर से निकाला और उठा करके ले आए एक कोक की बोतल, और कोक की बोतल लाके रूम में रख देते हो, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, एसी बंद है, तो धीरे धीरे क्या होगा, भीतर का टेम्परेचर था 10 डिग्री, वो हो जाएगा 45 डिग्री, तो वहां जो हीट का फ्लो होगा किससे हो रहा है? रेडियल हीट फ्लो। वहां भी यही कहानी बनेगा, वहां भी यही कहानी बनेगा, रेडियल हीट फ्लो। वहां हीट फ्लो बड़े आराम से दिख रहा होगा, कौन सा एल लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, एरिया ले लोगे कर्व सरफेस एरिया, और एल लोगे थिकनेस, जिस थिकनेस में हीट जा रही है बाहर रेडियल, तो आप वैसे आप काम करते हैं। तो ये सब ठीक है, मैं उतने चक्कर में अभी नहीं पड़ रहा, काम की बात करो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, याद करो ए टाउ, ए टाउ कितना था, ई बाई एम इंटू टाउ, और उसको भी हमने देखा था ई बाई एम कैपिटल वी बाई एल लेंथ का रॉड था, तो एल ये भी एक आया था इंटू टाउ, इनमें से कोई भी यूज करो। आई के लिए अपने पास फॉर्मूला आया है एन ई ए वी डी, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट करके कुछ और फॉर्मेट में भी ले लिया। क्या ले लिया था? एन ई ए इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। अब यदि ये अगला वाला पार्ट हम अभी इसको छुपाए रखते हैं, तो मैं एक और नया फॉर्मूला यहाँ डिराइव करने की सोच रहा हूँ। यहाँ से देखिए आई बाई ए हमारे पास क्या आ रहा है, उसे देखिएगा, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम
इंटू ई, और ये किसके बराबर आ गया, ध्यान देना, लेफ्ट साइड में आ गया है जे और राइट साइड में आ गया है वन बाय रो इंटू ई, सेंस रो इक्वल्स टू क्या था याद करो, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। सर ये तो मैं भूल गया था, तो याद करो, और वन बाय रो को आप लिखते हैं एक नया सिंबल दे देते हैं सिग्मा, और इसको कह देते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो जे इक्वल्स टू क्या हो गया सिग्मा ई। तो हमारे पास एक और रिलेशन आया जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, और ये है ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ओम्स लॉ एट, यार ये माइक्रो मैक्रो में मैं गर्व कंफ्यूजन करता रहता हूँ, रॉड के भीतर किसी भी पॉइंट पे आप अप्लाई करना चाहो तो वहां ये लगाते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल। आप यदि पूरे रॉड के लिए एक साथ ओम्स लॉ सोचोगे तो वी इक्वल्स टू आई आर, लेकिन यदि रॉड के भीतर किसी छोटे से एलिमेंट में जाकर के आप ओम्स लॉ सोचने की तैयारी में हो तो ये फॉर्मूला काम आएगा, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, इस पे भी तीन स्टार दे दिया है, ये बहुत कम चर्चा में आता है, ओम्स लॉ कहते ही दिमाग में सीधे से आता है वी इक्वल्स टू आई आर, लेकिन ये ओम्स लॉ है फॉर रॉड, हाँ, और वो जो छोटा सा एकदम भीतर किसी एलिमेंट में जाके, तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, दोनों ओम्स लॉ है, लेकिन ओम्स लॉ के ये डिपेंड करता है हम कहाँ यूज करना चाहते हैं, तो क्लास टेंथ तक वी इक्वल्स टू आई आर सीख लेता है बच्चा, वही बहुत बड़ी बात है। अब आप ट्वेल्थ में आके इसको भी देखो जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, अब इनके कहाँ फायदे मिलेंगे, इनके फायदे कहाँ मिलेंगे, तो जब तक फायदे नहीं मिलेंगे तब तक आप लोग याद क्यों करोगे, देखो एक क्वेश्चन गलत करो अपने आप याद हो जाएगा, ये यहाँ देखो अभी अभी जो रॉड आया था जिसको देख के पिस्ता बहुत टेंशन में था, ये देखो बैटरी से हमने अटैच किया, ये प्लस ये माइनस, अब बताओ इसमें मैं सेक्शन देख रहा हूँ वन और सेक्शन देख रहा हूँ टू, वन और टू में, वन और टू में कहाँ पर, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तगड़ी होगी, तो उसके लिए सोचने का एक रास्ता और नया, आज देखो करेंट डेंसिटी कहाँ तगड़ी होगी, तो करंट डेंसिटी जहां तगड़ी होगी, तो करंट डेंसिटी आई भाई आई तो एक ही फ्लो कर रहा है, तो आई को पानी के फ्लो की तरह देखो, एक तरफ से एक लीटर पर सेकंड इंटर करेगा तो दूसरे तरफ से एक लीटर पर सेकंड बाहर आएगा, तो पानी के फ्लो की तरह एक तरफ से चार कुलाम भीतर आया पर सेकंड, तो दूसरी तरफ से चार कुलाम, वो पहले क्रॉस सेक्शन से भी गुजरेगा, दूसरे क्रॉस सेक्शन से भी गुजरेगा, तो पहले क्रॉस सेक्शन का एरिया कम है, एरिया कम है तो आई बाई ए जे ज्यादा हो गया, जे ज्यादा हो गया तो ई भी ज्यादा हो गया, ई ज्यादा होने के पीछे कहेंगे सिग्मा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो वन पे मटेरियल है वही टू पे मटेरियल है, तो हम क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पूछ देता है कि कहां पर क्या रिलेशन होगा, ई वन ई टू का रिलेशन क्या होगा ये पूछ रहा है, तो आप क्या लिखने वाले होंगे सॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के लिए, ए वन लेस देन ए टू, तो जे वन इक्वल इज ग्रेटर देन जे टू, तो ई वन ग्रेटर देन ई टू, ई टू सेंस जे प्रोपोर्शनल टू ई, क्योंकि सिग्मा तो यूनिवर्सल वो मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, जे इज प्रोपोर्शनल टू ई, आप ऐसे बात कर सकते हैं, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं कि करेंट डेंसिटी जो है वो जहां ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यदि सिग्मा मटेरियल सेम एक ही मटेरियल के दो सेक्शन में क्या बात कर रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ध्यान रखिएगा आई इक्वल टू क्या था एल ई ए जी डी, यहां पर एल ई और आई तो फिक्स होगा दोनों सेक्शन के लिए, तो ए वी डी क्या आ जा रहा होगा कॉन्स्टेंट, तो वो जब पानी का फ्लो देखते थे पाइप में एरिया कम कर दो तो स्पीड क्या होता है बढ़ जाती है, तो उसी को आप अप्लाई कर दो, A1, then
implies that VB1 greater than VB2. जहाँ एरिया कम वहाँ स्पीड ज्यादा, ट्रिप्ट स्पीड ज्यादा। कैसे आप सोच सकते हो? अरे तुम छोड़ो यार, तुम पाइप को पानी में गुजरता देख रहे हो, बगीचे में पाइप दो, पानी का एरिया आप क्रॉस सेक्शन कम कर दो। अब बताओ, पानी जो निकल रहा होगा पाइप से उसकी स्पीड कम हो गई? एक जगह से उल्टा दो, किसके उल्टा? एक जगह उल्टा आता है इसमें रिलेशन, फिर से बोलो। उल्टा कोई उल्टा पुल्टा रिलेशन नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर? हाँ तो कंफ्यूज मत किया करो अपने दिमाग को, आगे बढ़ो। फालतू में कुलाई लेके बैठा रहता है, दाया नहीं तो बाएं पैर पे मार देता हूं, ऐसा क्यों करते हो? कंफ्यूज मत हो अपने आप को। सिंपल आइडिया है, बगीचे में पानी दिया हो कभी पाइप से तो पता है एरिया कम करेंगे स्पीड बढ़ जाएगा, ज्यादा अकल कहाँ लगा लेते हो, कम अकल लगाया करो यार, पूरा चैप्टर निपट लेगा। अब यहाँ और सोच के देखते हैं कि यदि यदि मटेरियल अलग अलग हो गया तो क्या करोगे? तो यदि मटेरियल अलग अलग हो गया तो क्या करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। यहाँ देखो ये दो अलग अलग मटेरियल है, ये है सिग्मा वन और ये है सिग्मा टू। सिग्मा टू इज लेस देन सिग्मा वन, ये क्वेश्चन में दिया गया है। मटेरियल अलग अलग है और आप इसमें करंट जाता देख रहे हो। यदि करंट जाता देख रहे हो तो खास बात क्या थी? दो मिनट पहले देखो, खास बात क्या थी कि करंट जा रहा था, एक ही मटेरियल था, J इक्वल्स टू सिग्मा ई आप कहा करते थे। अब यहां देखो, ये है बाउंड्री जहां पर J तो दोनों तरफ एक जैसा है, J इक्वल्स टू आई बाई ए सेम, क्योंकि एक तरफ से जितना करंट निकलेगा सीरीज में होने के कारण दूसरे से भी वही करंट जाएगा, और यूनिफॉर्म रॉड है, भले ही अलग अलग मटेरियल हो करंट डेंसिटी एक जैसा है। और जानते हैं हम बट जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो इसका मतलब हो गया यहां से क्या निकल करके आ गया, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, जिसका सिग्मा ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो जहां पर ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा उसे देखो और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है उसे देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंतर, ये समझ में आया? अब मुझे बताओ कि यदि तुम यहां एक गॉसियन सरफेस ले लेते, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाओ और क्या लिखते, वो क्यूबिकल गॉसियन सरफेस लेके E dot ds equals to Q inside by epsilon naught, left side में आ जाओ E1 into A और वो माइनस के साथ, और प्लस राइट साइड में आ जाओ E2 into A और equals to क्या हो जाएगा, Q inside by epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर दिख रहा है या नहीं? ये आ गया E1, E1 लिख रहो, ये A कॉमन ले लिया, ये आ गया E1 minus E2, E1 क्या लिखेंगे, E2 minus E1, तो E लिख रहे हैं J by sigma 2 minus J by sigma 1 और J into A, ये Q inside by epsilon naught, और J into A क्या हो जाएगा, J into A हो जाएगा I, तो Q inside वहां जो दिखेगा मुझे वो क्या हो जाएगा, I और एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा 1 बाय सिग्मा 1 माइनस 1 बाय सिग्मा 2 और ये आ जाएगा। तो जहां भी इन होमोजेनिटी होता है मटेरियल में वहां पर चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, अदरवाइज जब आप यूनिफॉर्म रॉड देखते हैं तो कहीं भी चार्ज डिपॉजिट नहीं होता, कंटिन्यूअस फ्लो है, कहीं चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा, लेकिन जहां दो मटेरियल का जंक्शन आप बनाओगे वहां चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये चीज टेंथ में तो कतई नहीं दिखता, ट्वेल्थ में भी नहीं दिखता रहता है, बड़े मुश्किल से दिखता है। तो पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करो, फील्ड के बारे में सोचो कि फील्ड कम ज्यादा तो है, कम ज्यादा है तो इसका मतलब वहां गॉस थ्योरम से E डॉट ds जीरो नहीं हो रहा, तो क्यू इनसाइड तो होगा ही होगा, नॉन जीरो। तो ये कहां पर हमें देखता है, जहां बाउंड्री, जहां जंक्शन है, जंक्शन पे डिपोजिट मिलेगा चार्ज, जहां भी जंक्शन बनाएंगे, जहां भी वायर जोड़ेंगे। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे एसी वेसी का वायरिंग तुम प्लग से करते हो तो उस बीच में चाहते हो वायर का कट वट ज्यादा ना हो,
क्योंकि जहां भी कट करोगे वहां जोड़ोगे, जोड़ोगे वहां चार्ज डिपॉजिट होगा, जहीं ज्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा तो वहां से स्पार्किंग शुरू हो जाएगी, हीट जनरेट होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब इतनी समस्या कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा कि जंक्शन हुआ तो आप एक नॉर्मल वायर लेते हो लंबा और बीच में चार जगह कट है उनको जोड़ जोड़ के बनाते हो वायर, दोनों में लफड़ा कहां फंसेगा, तो जहां जोड़ रहे हो ना वहां हो सकता है कुछ और भी मटेरियल्स वहां है या उनकी होमोजेनिटी डिस्टर्ब हो रही है, होमोजेनिटी डिस्टर्ब हो रही तो वहां चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे और यदि डिपॉजिट हुए तो फिर कुछ ना कुछ लफड़ा है आगे चल के। तो हम लोग कोशिश करें कि वो कम से कम ये वो जंक्शन रहे वायर में, वो ज्यादा सेफ है। और ये चार्ज पूछ लेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट के सारे आइडिया मिक्स करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये टफ एग्जांपल कहलाता है, ये एडवांस के लेवल में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, मेंस में जनरली इस लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जहां ये डिटेल आपको सोचना पड़े। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सिग्मा टू माइनस सिग्मा, थैंक यू। अब ये जो हम लोगों ने देखा तो अपने पास कुछ फॉर्मूले आ गए, क्या क्या फॉर्मूला आ गया है, हम लोगों ने बात करने शुरू कर दी है इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद हमने देखा ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इन सारे टर्म को देख रहे हैं। ओम्स लॉ दो तरह से, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एक रॉड के लिए जैसे ऑब्जेक्ट के लिए। देखते हैं कि रॉड यदि यूनिफॉर्म है और टेम्परेचर में बदलता हूं तो उसका रेजिस्टिविटी, मेटल के रॉड के रेजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में। तो ध्यान से देखिए, आप हेडिंग देते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक रॉड। यहां देखिए एक टॉपिक अलग पढ़ते हैं हम लोग, थर्मल एक्सपेंशन। इसमें जो खत्म हो गया था, मैं आया था तीन फॉर्मूला, डेल्टा एल बाय एल प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, डेल्टा ए बाय ए किया था, एल डैश इक्वल टू एल थीटा, ए डैश इक्वल्स टू ए वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा, और वी डैश इक्वल्स टू वी वन प्लस गामा डेल्टा थीटा, और बाद में देखा था होमोजेनियस मीडियम के लिए ये गामा इक्वल्स टू थ्री अल्फा, बीटा इक्वल्स टू टू अल्फा और ये अल्फा। सर इसकी याद क्यों आ गई आपको, अरे मैं आलसी इंसान हूँ यार, एक से मैं कई काम करना चाहता हूँ। फॉर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, कुछ गड़बड़ हो गया, चलो देखो देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल में, अरे कहाँ कंफ्यूजन में हो, गामा इक्वल्स टू थ्री अल्फा लिखो ना यार, नहीं पूछ रहा है अभी, मत ध्यान दो क्या पूछ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, ध्यान से देखिएगा, उसी तरह देखिएगा, डेल रो बाय रो इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, और यहां से हो जाएगा डेल रो बाय रो इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा, ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कह देना, मुझे नाम वैसे नहीं याद रहता, तो उधर क्या कहा था, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो यहां पर कर दो थर्मल रेजिस्टिविटी, ऐसा कुछ भी नाम दे दो, राम मोहन सोहन टाइप चलेगा, यहां वो कांस्टेंट होगा, उसकी यूनिट पूछ लेगा तो वही बता देना पर केल्विन।
या पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो डेल रो बाय रो डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो डेल थीटा का जो है वही जाएगा लेफ्ट साइड, तो रो का पर केल्विन या पर। अब यहाँ चेक करिए, ये रो डैश लिख लेंगे आप रो वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, रेजिस्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टिविटी बढ़ता, और यहाँ पर यदि रेजिस्टिविटी बढ़ता है तो उसी के बाद लिख दो सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस डेल्टा आर बाय आर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, और डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा, और आर डैश इक्वल्स टू आर वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। जो आपने फॉर्मूले देखे वही एज इट इज यहां भी डाल दो, और ये अल्फा वही होगा जो रो वाला अल्फा है, अकल ज्यादा मत लगाना। ये अल्फा क्या था, नाम भी तो अभी बनाया था कोई यार, हाँ थर्मल थर्मल कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, ऐसे कुछ नाम बनाता हूँ कोफिशियंट ऑफ थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मजा आ गया, अच्छा नाम बनाया। अबे रुक जाओ यार, थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और ऐसा ही नाम है समझो, मुझे ही नहीं याद है, तो आप भी टेंशन ना लेना, आपको भी नहीं याद रहे तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा, मैं तो ध्यान रखता हूँ थर्मल एक्सपेंशन, अच्छा थर्मल लगाओ वही फॉर्मूला सीधे, रो डैश इक्वल्स टू रो वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और ये आर डैश इक्वल्स टू आर वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा, ओ यार उसके भी फॉर्मूले में माइनस डाल देना बीच में, काम खत्म। सिग्मा यदि सिग्मा कह देते हो तो सिग्मा डैश इक्वल्स सिग्मा वन माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, क्यों, क्योंकि वहां की बढ़ा नहीं रहेंगे होंगे, यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सर वो कैसे, ये तो डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर में आता तो पावर माइनस वन होता, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा देते वो बगल में आ जाता, तो क्यों इतना पंगा ले रहे हो, सीधे कम हो रहा है माइनस कर दो वन माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये आपके आ गए थर्मल रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल वर्ड थर्मल एक्सपेंशन थर्मल रेजिस्टिविटी लगाओ अप्लाई कर दो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे पूछे गए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन किताबों में है, किताबों में है तो आपको भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। थर्मल एक्सपेंशन चूंकि उस पर शायद 15 मिनट ज्यादा पढ़ा होगा, वो भी कौन सा पढ़ा है 15 मिनट ज्यादा, इसमें 15 मिनट और कम पढ़ रहे हैं, तो कंपेरिजन से याद रखो दिमाग में। तो ये काम हो गया थर्मल का, कंडक्टेंस भी होता है। हाँ इसमें लेकिन कंडक्टेंस के फॉर्मूले यूज नहीं कर रहे थे, वही तो था, वो कंडक्टिविटी को ही कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस भी कहते हैं, याद रखना, रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस मत कह देना, वो दोनों अलग अलग टर्म है, कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस कह सकते हो, ठीक। और उनके ग्राफ देख लेना ना, ग्राफ जो था अभी था रो का बनाया था ना टेम्परेचर के साथ, तो रो का टेम्परेचर के साथ ऐसा कुछ ग्राफ बन जाता है, और जो होता है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, ये है फॉर मेटल, फॉर मेटल, फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर ये ग्राफ ऐसा आता है, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ रेजिस्टिविटी कम होती जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, तो सेमी कंडक्टर का और मेटल का दोनों का, ये कंडक्टर का, ये गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इनका ध्यान रखते हैं ये ग्राफ। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और टी क्या है, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टी टेम्परेचर, ये मेटल गुड कंडक्टर के लिए हमने देखा, और दूसरा जो है वो सेमी कंडक्टर के लिए हमने देखा। यहाँ जो जे के बारे में हम देख रहे थे, यदि ऐसा करें कि यहाँ करंट को जाते तो देख रहे हैं जैसे पानी का फ्लो है, और एरिया मैंने यदि ऐसे ले लिया, यदि एरिया मैंने ऐसे ले लिया, एरिया का डायरेक्शन हम उसके नॉर्मल के लॉन्ग लेते हैं, और ऐसे आप देख रहे हैं फ्लो को, फ्लो को यदि चार्ज पॉजिटिव जा रहा होता, ऐसे यदि करंट होता, अब आप जो यहां थीटा देख रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं ना, कि यहां जे कितना होगा,
इस एरिया के लिए, तो I अपॉन A cos थीटा, एक कंपोनेंट लेकर के देखते हैं। और यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो I को लिखा जा सकता है J A cos थीटा, और I को लिख सकते हैं J dot A। तो I को जब J dot A लिख सकते हैं तो यहां से ध्यान रखते हैं कि करंट इज स्केलर, डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा तो करंट इज स्केलर आपके 11 12 के लेवल में। तो ये J dot A से जब आपने I को आते देखा तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने कहानी बना ली कि ये स्केलर क्वांटिटी है करंट डायरेक्शन होने के बावजूद भी। और दूसरा आइडिया कि ये वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर का जो अपना अलजेब्रा है करंट उसको फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए वो वेक्टर नहीं हो सकता, एक आइडिया ये भी ध्यान रखते हैं। तो आई डू नॉट ऑबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, करंट डू नॉट ऑबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, सो दैट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करेंट डू नॉट ऑबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, करेंट डू नॉट ऑबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा, सो दैट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां एक डेरिवेशन बता दे रहा हूं, ट्रंकेटेड कोन फ्रस्टम आई थिंक कहते हैं, ये मैंने यहां से यहां ये जो रॉड देखे, इस रॉड के लिए मैं देखना चाहता हूं। अब यहां देखो ये ऐसे कर लूंगा तो फिर तो गड़बड़, ये इसके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। ये एक रेडियस है आर वन, दूसरा रेडियस है R2। क्या करते हैं इसके लिए, एक आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आगे बढ़ाकर कोण को कंप्लीट होता देखते हैं, यहां पर थीटा एंगल देखना शुरू कर देते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर जाते हैं और यहां दो सेक्शन ऐसे लेते हैं, इनके बीच का लेंथ dx कर देते हैं, इसका रेडियस r कह देते हैं, और यहां जो करंट जा रहा है इस करंट के लिए हम लोग i को देखते हैं और वहां पर इसके लिए रेजिस्टेंस dr लिखते हैं, रो l बाई a। और ये याद रखिएगा कि यहाँ x के फॉर्मेट में यदि जाना है तो r के लिए आ जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा फिक्स है, tan थीटा जो है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ चेक करिए, आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे dr का समेशन लेंगे, क्योंकि ये सीरीज में है, समेशन का मान दूसरा फॉर्म है इंटीग्रेशन, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे r1 cot थीटा, ढूंढते रहो क्यों, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, और x का फाइनल वैल्यू क्या ले सकते हैं r2 cot थीटा, इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो ये आ गया r का वैल्यू रो बाय पाई टेन स्क्वायर थीटा और माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो पहले लोअर लिमिट रख दो वन बाय आर वन कॉट थीटा माइनस वन बाय आर टू कॉट थीटा,
अब ये यदि कॉट थीटा को बाहर ले लें तो एक टेन थीटा गायब हो जाएगा, रो बाय पाई टेन थीटा, और ये आ जाएगा एक काम करते हैं एलसीएम लेते वक्त ऐसे लिखते हैं आर टू कॉट थीटा माइनस आर वन कॉट थीटा, टेन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, कॉट थीटा अपॉन आर वन कॉट थीटा इंटू आर टू कॉट थीटा। ध्यान देना, इससे क्या हो गया कि नीचे वाला जो डाटा है वो टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा वन हो गया, रो बाय पाई आर वन आर टू, और ऊपर हो गया h, जो h हो गया यहां से यहां का लेंथ, यहां से यहां का लेंथ। कैसे? तो r1 cot थीटा यहां से यहां तक, और r1 r2 cot थीटा यहां से यहां तक, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा h। तो आपके सामने ये आ गया रेजिस्टेंस r equals to rho l by a। आप कैलकुलस कैलकुलस खेलने के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे आप रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं, नहीं कैलकुलस कैलकुलस देखेंगे। ये रास्ता देख लिया तो कॉल कर देखो ना, कैसे बोलो डेंजर नहीं है, कॉट थीटा टेन थीटा कांस्टेंट है, इस पे भरोसा करो। 1 बाय x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय x हो जाएगा, माइनस 1 बाय x रख दो, रिजल्ट देखो। तो आप जब किसी फ्रस्टम के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो करंट के जाने का डायरेक्शन आपको पता है तो आप इस तरह कैलकुलस अप्लाई कर देते हैं, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का ये जो पहला लेक्चर है इसमें फॉर्मूले बहुत सारे आ गए हैं, केवल ये एक परेशानी है और उन फॉर्मूलों के साथ हमें काम करना है। इतने फॉर्मूले से मन भर नहीं रहा, एक फॉर्मूला और याद आ रहा है, एक फॉर्मूला और याद आ रहा है, लेकिन लिखूं कहां पे, मैं ये सोच रहा हूं, जगह ढूंढता हूं, ये ले आ गया, बधाई हो। अब यहां चेक करते हैं कि एक फॉर्मूला था अपने पास जे इक्वल्स टू सिग्मा ई इक्वल्स टू एन ई वी डी, आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है, आई एन ए वी डी आई बाई ए जे, जे इक्वल्स टू एन ए वी डी, जे इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एन ई वी डी हुआ करता था, और ये जे इक्वल्स टू सिग्मा ए भी होता है, और सिग्मा इक्वल्स टू एन ई वी डी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और टर्म आया, ये सिग्मा इक्वल्स टू एन ई, और इसको कहते हैं म्यू। म्यू क्या है? म्यू मोबिलिटी, म्यू है वी डी बाई ई, इसे कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये म्यू यदि थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो, जैसे आपको पसंद है वैसे म्यू लिखना। तो एक और टर्म आपके सामने मैंने लाए, वी डी बाई, वी डी बाई का क्या नाम रखा है वो भी ध्यान रखो, मोबिलिटी, एक नया नाम है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर कुल मिला के कितने फॉर्मूले, अरे यार कुल मिला के कितने फॉर्मूले, तो देखते हैं, एक नजर देख लेते हैं। एक तो था I equals to N E A V D, एक था I by A equals to J, एक था J equals to sigma E, एक था V equals to I R, एक था R equals to rho L by A, rho है M by N E square tau, और ये हो जाता था 1 by sigma, VD by E, ये हो जाता है mobility। यहाँ पर
इसके अलावा आ गया था वी डी इक्वल्स टू ई बाय एम इंटू टाउ, रो इक्वल्स टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसी तरह आर इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमने देखे। ये कुछ वैल्यूज हमारे पास, कुछ फॉर्मूले हमारे पास हैं जिनका हमें ध्यान रखना है इस टॉपिक में। आई को ये भी लिख देते हैं जी डॉट डी ए कभी कभी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सिग्मा अलग से याद रखना चाहो तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अभी के लिए मात्र इतना ही, ठीक। तो अब आप इलेक्ट्रिक करंट के सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।